स्वागत है आपका चैनल देसी स्वाद में। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, देसी स्वाद चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सोया स्टिक्स बनाने जा रही हूँ। ये बाजार में तो बहुत मिलती हैं बनी बनाई, लेकिन आज मैं आपको घर पर ये कैसे बनाई जाती है ये बनाना बता रही हूँ। जिसके लिए हमने ये सोयाबीन की बड़ी ली थी, जिसको हमने रात में भिगो के रख दिया था। ये देखिए, ये भीग कर कितनी अच्छी फूल कर ऐसे हो जाती है। और सोयाबीन की हमने दाल ली थी, इसको भी हमने रात को भिगो के रख दिया था। और ये रात को भीग के बहुत अच्छे से ये फूल जाती है। फिर जब ये भिगो कर हमने इसका ये देखिए बैटर तैयार कर लिया है। ये सोयाबीन का बैटर है और ये सोयाबीन की बड़ी का बैटर है। ये दोनों को हमने पीस लिया था, ये दाल को पीस लिया और ये सोयाबीन को दोनों को पीस लिया है। और एक कटोरी हमने मैदा लिया, जितना हमें ज़रूरत होगी हम उसमें डाल लेंगे। और ये नमक लिया और ये कुछ स्टिक्स लिया। अब हम इनको तैयार करेंगे। अब ये जो हमने बैटर पीस के रखा था, इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। ये बीन्स का बैटर है, इसको भी डाल लेंगे। अब इसमें हम ये नमक मिला देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये मैदा डालेंगे। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम मिला के एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैदा और मिला देंगे। देखिए, हम ऐसे ही इनको मिला के, इसमें मैदा मिला के इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे बैटर को मिला के एक डो तैयार कर लिया है। अब हम इसके छोटी छोटी लोइयां जो है वो बना लेंगे। हमने इसकी लोई बना ली है। अब हम इसको रोटी की तरह ही बेल लेंगे। ये देखिए, ये रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे। इसमें गोल का टेढ़े का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी बेल जाए। इसको हमने बेल लिया। अब हम इसको चाकू लेके इसको अच्छे से स्ट्रिप्स में काट लेंगे। ये हमने इसकी स्ट्रिप्स काट ली है, इसको हम हटा देते हैं। अब हम स्टिक लेके स्टिक को ऐसे रखेंगे और स्टिक के ऊपर इसको ऐसे तिरछा तिरछा फोल्ड करते हुए लपेटेंगे।
ये देखिए ऐसे ही हम अपनी सारी स्टिक्स को तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्टिक्स को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी स्टिक्स जो है वो तैयार हो गई है। ऐसे हम अपनी सारी स्टिक्स को तैयार करके रख लेंगे। सारी स्टिक्स ऐसे बेल कर तैयार करके रख ली हैं। ये हमारी स्टिक्स बन गई हैं। अब हमने एक कढ़ाई में गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। अब हम अपनी सारी स्टिक्स को इसके अंदर डाल देंगे और बॉयल कर लेंगे। ये देखिए इनको हम बॉइल करके रख लेंगे। ये देखिए हमने 10 मिनट तक इनको बॉइल कर लिया है और ये अच्छे से फूल भी गई है। अब हम इनको गर्म पानी में से निकाल लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे। ये देखिए इन सबको हमने ठंडे पानी में डाल दिया है। अब ठंडे पानी में से निकाल कर इनको हम प्लेट में रख देंगे। ये देखिए इन सबको हमने प्लेट में रख दिया है। ये सोया स्टिक्स हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इन सारी सोया स्टिक्स को फ्रोजन करने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जम जाए और फिर इनको ठंडा करने के बाद एक पॉलीथीन में उसमें बंद करके फ्रिज में रख देंगे। आप जब चाहें इसको बना सकते हैं। इसको मतलब आप ऐसे इस प्रकार से स्टिक्स को निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी जो चाप है कितने आराम से स्टिक्स के ऊपर से उतर गई है। इनको हम उतार लेंगे और फिर जब हमें बनाना होगा तो हम इसको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे करके काट लेंगे। ऐसे ये देखिए हमारी जो चाप है वो अंदर से भी तैयार हो चुकी है। जब हमको ये हमने इसको फ्राई करना होगा तो हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने की रेसिपी जो है वो हम आपको अगली बार दिखाएंगे। आपको ये सोया स्टिक्स बनाने की रेसिपी कैसी लगी आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।